आप लोगों ने बड़े बड़े जहाज, क्रूजर्स, कार्गो शिप्स को पानी पर चलते हुए तो जरूर देखा होगा, पर बनते तो ये सब जमीन पर ही हैं। फिर इन्हें पानी में कैसे लॉन्च किया जाता है? पहला तरीका, फ्लोटिंग आउट लॉन्चिंग मेथड। जहाज बनने के बाद बे एरिया में पानी भर दिया जाता है और इस एरिया को समुद्र से कनेक्ट करके शिप को पानी में उतार दिया जाता है। दूसरा मेथड, ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग, जिसमें एक रेल की पटरी की मदद से शिप को कोने तक लेके आते हैं और फिर इन्हीं पटरियों के सहारे पानी में उतार देते हैं। पहले तो शिप लड़खड़ाता जरूर है, बट ग्रेविटी उसको अल्टीमेटली स्टेबलाइज जरूर कर देती है। तीसरा मेथड, एयरबैग लॉन्चिंग मेथड। इसमें रेल की पटरी की जगह मसनद शेप के एयरबैग्स रख दिए जाते हैं। ये एयरबैग्स रोल करते हैं और उन्हीं के रोलिंग के सहारे शिप आगे बढ़ता है और अल्टीमेटली पानी में आ जाता है। चौथा मेथड, मैकेनिकल टाइप लॉन्चिंग, जिसमें हेलीकॉप्टर या फिर बड़े बड़े क्रेन्स की मदद से शिप को जमीन से उठा करके पानी में रख दिया जाता है। ये काफी ज्यादा खतरनाक होता है, काफी बार तो शिप के भार के कारण क्रेन ही उस पर आकर के गिर जाती है और करोड़ों का लॉस हो जाता है। तो अगर आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।